नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे YouTube चैनल पे। और NTPC का एग्ज़ाम कब होगा, उसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, क्या कुछ उनके बारे में सूचना है, लेटेस्ट में अभी एक इन्फॉर्मेशन सुनने में आ रही है सभी सोर्सेज से, और लिखित रूप में भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक स्क्रीनशॉट जो आप देखोगे वो भी आप देखना, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में क्या लिखा हुआ है। तो जो बच्चे हैं सबसे पहले इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज NTPC एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बातें। दोस्तों, NTPC एग्ज़ाम एक बहुत बड़ी भर्ती है जिसके अंदर 35,000 से प्लस पोस्टें हैं। आपको ये तो पता ही है कि फॉर्म सारे फिलअप हो चुके हैं, ठीक है। अभी अभी एक सूचना आई है लेटेस्ट में, RRB बोर्ड ने जो एक सूचना दी है सोशल मैसेज के द्वारा, जिसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अभी तक NTPC एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, यानी NTPC एग्ज़ाम आपका अभी नहीं होने वाला है। ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिए। इसका मतलब ये है कि अपना NTPC एग्ज़ाम होगा लेकिन समय लेगा, यानी आपका NTPC एग्ज़ाम हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है सितंबर में, यानी आपका एग्ज़ाम 15 सितंबर को ही के बाद ही स्टार्ट होगा। अगस्त में आपको उसके एग्ज़ाम डेट डिसाइड होगी। और एडमिट कार्ड की जहाँ तक बात है तो रेलवे ने स्पष्ट रूप से बोला है कि एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम से 4 दिन पहले दिए जाएंगे। तो यहाँ एक खुशखबरी भी आप सबके लिए ये है कि जिन्होंने अभी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, बच्चों ने NTPC का जो तैयारी लगे हुए हैं, जिनके पास समय कम था, जो लेट लगे थे, अभी भी उनके पास वक्त है। तो खुशखबरी ये है, आप मन लगा के जान लगा दीजिए, पूरी अपने आप को झोंक दीजिए इस परीक्षा में, अगर आपको NTPC फाइट करनी है। और आपको NTPC से जो भी रिलेटेड सूचना पूछनी है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और तैयारी की जहाँ तक बात है तो मैंने भी काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं NTPC के ऊपर, मैंने बताया है आपको कि किस किस तरह का सिलेबस है और किस किस तरह का पैटर्न रहेगा, तो आपको कैसी तैयारी करनी है, ये मैंने बार बार बता रखा है। और मैथ्स से रिलेटेड वीडियो हम लगातार बनाते आ रहे हैं, कम से कम आपका 60+ से सिलेबस मैथ्स का हो चुका है। तो कोई भी बच्चा जो है, नए बच्चे जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, मैथ्स को प्रॉपर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं और NTPC मैथ्स के क्वेश्चन जितने आएंगे 30 of 30 लेके आना चाहते हो, तो हमारे चैनल पे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम मैथ्स की कंटिन्यू क्लास चला रहे हैं जिसपे NTPC की पूरी तैयारी, मैथ्स के टॉपिक कवर करवा रहे हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें होंगी। साथ साथ जो बच्चे ये सोच रहे थे कि कैसे करें क्या ना करें तैयारी, तो अब जो बच्चा अगर आज भी तैयारी करना स्टार्ट करता है, मैं मानता हूँ कि अगर वो बंदा आज भी कोई स्टार्ट करना चाहता है तो अभी भी आज के जुलाई के 15 डेज और अगस्त के आपके पास 30 और 15 सितंबर के मान लीजिए, मान कम से कम 1 महीना 20 दिन आपके पास है तैयारी के लिए, तो 1 महीने 20 दिन में आप बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर आप अच्छे से टाइम देते हो पूरा दिन। एक बार आप सभी चीज़ों को छोड़ दीजिए, मोबाइल जितने सोशल साइट्स हैं सभी चीज़ों को एक बार छोड़ दीजिए, अगर आपको NTPC क्रैक करना है। कैसे करेक्ट करना है ये मैंने वीडियोज़ बना के बता रखे हैं, आप क्या कुछ करना होगा, लिमिटेड पढ़ना है, ये नहीं कि आप बुक्स उठा के ले आए, आप गाइड उठा के ले आए, आप नोट्स उठा के ले, देखो ऐसे एग्ज़ाम कभी क्रैक नहीं होगा। आपको ऑथेंटिक चीज़ पढ़नी होगी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना होगा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सोल्व करने होंगे। तो स्पष्ट रूप से एक बात दिमाग में बिठा लीजिएगा, आप लफड़ा छोड़ दिए एडमिट कार्ड कब आएगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं सर एग्ज़ाम डेट नहीं आई, सर एडमिट कार्ड कब आएगा, क्या कुछ होगा, एग्ज़ाम किस शिफ्टों में होगी, ये आपकी टेंशन नहीं है। आपकी टेंशन इतनी सी है कि सिर्फ आपको पढ़ना है, जैसे ही एग्ज़ाम की कोई सूचना आती है कि एग्ज़ाम डेट कब फाइनल होगी या एडमिट कार्ड की के बारे में कुछ नई सूचना आती है, तो हम तुरंत आपको इस वीडियो के ऐसा एक वीडियो बनाकर हमारे चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आप सिर्फ तैयारी लग रही है। अगर आपको NTPC एग्ज़ाम के बारे में कुछ और पूछना है हमसे तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं,
और हमारे चैनल से एक बार फिर बोल रहा हूँ जुड़ सकते हैं, जिसकी मैथ कमज़ोर है तो हम कम्प्लीटली मैथ करवा रहे हैं, बेसिक टू एडवांस हर चीज़ों को समझा रहे हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें होगी, ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको। साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि पैरामेडिकल की परीक्षा जो रेलवे करवा रहा है वो स्टार्ट हो चुकी है, शायद इसी वजह से एनटीपीसी के बारे में कुछ सूचना नहीं दे रहा है बोर्ड, क्योंकि पैरामेडिकल जब हो जाएगी एग्ज़ाम उसके बाद ही एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा फाइनल, ये तो तय हो चुका है। अब चिंता की कोई बात नहीं है, यानी 1 महीना 20 दिन सभी बच्चों के पास हैं, जिन्होंने तैयारी कर ली है वो तो रिवाइज पे लग जाइए, और जिन्होंने कम्प्लीटली सिलेबस भी कम्प्लीट नहीं किया है तो वो सबसे पहले अपने सिलेबस को कम्प्लीट कीजिए जल्दी से जल्दी, जिससे कि रिवाइज भी वो एक बार कर सके उन चीज़ों को। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा। तो फिर बता रहा हूँ, चिंता ये छोड़ दीजिए कि एग्ज़ाम कब होगा, ये चिंता रखनी है कि एग्ज़ाम को कैसे फाइट करना है। अगर एनटीपीसी में लगना है तो एग्ज़ाम को करेक्ट करना ही होगा किसी न किसी हालत में, तो जान लगा कर पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। कोई भी कन्फ्यूज़न है आपका, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कोई भी क्वेश्चन है, तो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन क्यों ना हो, आप हमसे शेयर कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे आपका जवाब देने की। पहले भी मैं ऐसे ही करता आ रहा हूँ, हमेशा आपका क्वेश्चंस का मैं जवाब देता हूँ, चाहे वो किसी से रिलेटेड क्यों ना हो। तो उम्मीद करूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, एक बार फिर कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि सभी बच्चों तक ये बात पहुँच सके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।